हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू तक्षशिला क्लासेस. माय नेम इज वसुंधरा एंड आज हम डिस्कस करेंगे 10 फॉरेन वर्ड्स यू मस्ट नो फॉर सीडीएस. तो इसके दो पार्ट्स मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ इन वीडियोस के, जिसमें हमने फ्रेंच वर्ड्स सीखे थे. आज हम थोड़ा मिक्स वर्ड्स सीखेंगे, लाइक नॉट जस्ट फ्रेंच बट विल ऑल्सो ट्राई टू कवर सम लैटिन, स्पेनिश, जापानीज वर्ड्स. सो लेट्स सी हाउ दे आर यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड हाउ दे हैव बीन अडॉप्टेड सो फार, राइट. So the first word here is extempore. A lot of you people will pronounce it as extempore or something like that, but it's extempore, right? And what is extempore actually? Extempore means speaking or talking. ठीक है, ये होता है हमारा एक्सटेम्परी. एक्सटेम्परी कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं स्कूल में, जहां आपको बहुत क्विक स्पीच देनी पड़ती है, राइट. जहां आपको टॉपिक दिया जाता है ऑन द स्पॉट यू हैव टू स्पीक. सो एक्सटेम्परी इज रिलेटेड टू स्पीकिंग और टॉकिंग, स्पेशली मेकिंग स्पीचेस, राइट. दिस इज द मेन वर्ड एंड दिस इज बीन डिराइव फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज. नेक्स्ट इज गोरमे. नाउ गोरमे हैज लाइक आई थिंक इट हैज कम दिस टाइम इन द एग्जाम, आया हुआ था ये एग्जाम में क्वेश्चन. गोरमे इज डिराइव फ्रॉम फ्रेंच लैंग्वेज एंड इट मीन्स somebody who is a specialist of food and drinks. बड़े बड़े restaurants में आपने सुना होगा he is a gourmet chef. What does that mean? Somebody who is a specialist of food and drinks. तो उसे हम क्या कहते हैं? Gourmet. ठीक है, इसको gourmet वगैरह नहीं बोला. एक आइसक्रीम भी आती थी, I don't know if you all remember. It used to be called this word, right? प्राइमा फेसेसी. समबडी प्राइमा कम्स फ्रॉम प्राइम. पहली बात तो ये लैटिन है. फैसी कम्स फ्रॉम फेस. देखिए प्राइम फेस का मतलब है फर्स्ट टू विजिट और फर्स्ट टू विटनेस. जिसने सबसे पहले देखा होगा कोई चीज को उसको हम बोलते हैं प्राइमा फेसी, राइट. और ये कहाँ से निकाला गया है ये वर्ड? ये निकाला गया है लैटिन लैंग्वेज से. ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आ जाए तो इस तरीके से आप इसको डिराइव कर सकते हो. नेक्स्ट वर्ड इज सैंगफ्रॉइड. नाउ सैंगफ्रॉइड इज अ फ्रेंच वर्ड और ये आपको इंग्लिश में आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए idioms एंड phrases में भी देखने को मिलेगा. ठीक है, ही इज वेरी सैंगफ्रॉइड बाय नेचर. नाउ व्हाट इज सैंगफ्रॉइड? सी, इट मीन्स काम एंड कंपोज्ड, एकदम शांत स्वभाव का, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में. तो काम एंड कंपोज, सैंगफ्रॉइड इज अ फ्रेंच वर्ड, इट मीन्स काम एंड कंपोज्ड. ठीक है, ये idioms एंड phrases में भी हमें बहुत ज्यादा देखने को मिला है, तो मेक श्योर आपको ये वर्ड याद रहे, राइट. वॉक्स पॉपुली इज अ लैटिन वर्ड. वॉक्स मीन्स वॉइस. पॉपुली, यू सी पॉपुलेशन, या फिर हम बोलते हैं पीपल. तो ऑब्वियसली वेरी क्लियरली वॉक्स पॉपुली इज वॉइस ऑफ द पीपल. ठीक है, नेक्स्ट जिल्च. नाउ दिस इज अ जर्मन वर्ड. ज्यादातर जब हम बात करते हैं ना तब हम ये बोलते हैं कि जैसे आई हैव नो इंटरेस्ट इन दिस मैटर. जिल्च, जिल्च का मतलब ही होता है इट मीन्स जीरो और नथिंग या फिर नन. जिल्च मीन्स नथिंग, जीरो, नन. सो it is a German word. Sometimes it is used. I won't say that it's adapted into the English language, but I would say that yes, most of the times speakers of English do tend to use this word. Zilch is zero, nothing, none at all, right? So you can also use this word while speaking or you know in a conversation. Okay, the next word we have is siesta. Siesta is a Spanish word, might sound French, it's not. सीएस्टा का मतलब होता है अ शॉर्ट नैप. ये पेपर में आया हुआ है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. आई हैव सीन दिस इन वन ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर्स. आप मुझे लिख के बताइए आपने कहीं देखा है प्रीवियस ईयर पेपर्स में या नहीं. यू कैन मेंशन दैट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. बट आई डेफिनेटली फील दैट सीएस्टा इज अ वर्ड दैट आई हैव सीन इन द एग्जाम एंड इट मीन्स अ शॉर्ट नैप. शायद इस वाले में था या पता नहीं किस वाले में, आई डोंट रिमेम्बर. एंड इट्स एटिमोलॉजी इज दैट इट इज अ स्पेनिश वर्ड. एटिमोलॉजी इज अ ओरिजिन ऑफ समथिंग, राइट. स्पेल भी कर देती हूँ, राइट. इट मीन्स अ स्पेनिश, इट मीन्स द ओरिजिन ऑफ अ वर्ड और एनीथिंग दैट यू आर डूइंग. हायाटस. नाउ सी,
ये एग्जाम में आ चुका है, मोस्ट डेफिनेटली आई रिमेम्बर दिस वेरी क्लियरली. इट इज अ लैटिन वर्ड. हायाटिस का मतलब होता है इंटरवल. जैसे अगर हम बोलते हैं या फिर ब्रेक या फिर गैप, जैसे आई विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट हायाटिस. हायाटिस का मतलब होता है इंटरवल. दो चीजें चल रही हैं, जैसे हमें हर क्लास के बीच में एक हायाटिस दिया जाता है. हायाटिस का मतलब होता है गैप, इंटरवल, ब्रेक. ठीक है, ये पेपर में आया हुआ है, CDS एग्जाम में आया हुआ है. आई डोंट रिमेम्बर द ईयर विविडली, बट डेफिनेटली दिस हैज कम इन द एग्जाम. ठीक है, बहुत से बच्चों का इसका मीनिंग, बहुत से बच्चों को, उन बच्चों को ये मीनिंग पता था जो अवेयर रहते हैं कई चीजों के मामलों में, उन्हें क्या करना है, क्या वो पढ़ रहे. नहीं, अगर आप स्किप करते जाओगे वर्ड्स को, यू वोंट बी एबल टू रिकलेक्ट व्हेन यू आर टेकिंग द एग्जाम, राइट? सो मेक श्योर आप छोटे बड़े जो भी वर्ड्स पढ़ रहे हैं उसको आप याद करने की कोशिश करें, उनकी मीनिंग जरूर ढूंढें. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज होंचो, विच इज अ जापानीज वर्ड. नाउ मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स लाफ व्हेन आई से दिस वर्ड आउट लाउड, बट होंचो मीन्स अ लीडर. ओके, अ लीडर ऑफ अ ग्रुप. नाउ दिस इज अ जापानीज वर्ड, सो माइट साउंड फनी, बट होंचो इज अ लीडर. कोई मतलब जो भी ग्रुप को लीड कर रहा हो, या जो मतलब सबके सबको सपोर्ट, मतलब सपोर्ट तो क्या, इनकरेज कर रहा हो, उसको हम एक होंचो बोलते हैं. ठीक है, मैनेजर, लीडर, एनीथिंग, एनीबडी हु लीड्स अ क्राउड इज अ होंचो, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, शुड नो. नाउ सैवी, व्हाट इज सैवी? हम ऐसे बोलते हैं दैट ही इज टेक सैवी. इट सी द वर्ड इन स्पैनिश इज सेब, जहां से आता है, सेब एप्पल वाला नहीं, बट सैवी. ठीक है, अब ये स्पैनिश वर्ड का मीनिंग क्या है? देखो, हम जैसे यूज करते हैं ना कि दिस ही इज वेरी टेक सैवी, है ना? टेक सैवी मतलब उसको टेक्नोलॉजी का बहुत नॉलेज है. सो सैवी का मतलब होता है वाइज, और नॉट जस्ट वाइज बट नॉलेजेबल, नॉलेजेबल इन जनरल, हैविंग प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ समथिंग, बींग शार्प, शार्प माइंडेड. तो ये आपके क्या है वर्ड्स जो आपने डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस से इंग्लिश ने अडॉप्ट करे हैं अपने अंदर, राइट? तो ये वर्ड्स को आप पढ़ लो, क्योंकि इस बार हमने देखा है ट्रेंड में कि पेपर में इस तरीके के वर्ड्स आए हैं. बहुत बच्चे इजली सॉल्व कर पाए, बहुत बच्चों को डिफिकल्टी भी आई. तो लेट्स होप कि अगर इस बार ऐसा कुछ आता है डिफरेंट, तो आपको दिक्कत ना आए. इसी के साथ साथ आप पुराने जो बाकी के दो पार्ट्स हैं वो भी जरूर देखिए. ठीक है, तो आपको आइडिया लग जाएगा. आई विल लिंक दोज वीडियोज डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो विद दैट we are at the end of the video. Thank you so much everybody for watching. I'm going to see you tomorrow with something different, something new. If you have any suggestions, please mention them in the comment section below, and also join my telegram link. Thank you, good luck, and keep practicing.